समाचार। आज की वीडियो में मैं आपको बहुत ही कमाल का आइडिया बताने वाली हूँ, तो वीडियो को स्किप के बिना एंड तक जरूर देखिए। यह आइडिया आप सभी के बहुत काम आने वाला है, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कपड़े के बिल्कुल छोटे से टुकड़े से ही हम इसे बना सकते हैं। तो इसके लिए देखिए मैं जिप ले लेती हूँ। जिप ये देखिए कपड़ा मैंने सीधा रखा है और हम जिप को अंदर की तरफ रखेंगे। ये जो वाला हिस्सा है ना, इसको इस तरह जिप को हम उल्टी रखेंगे और जो दूसरा पीस है इसको इधर साइड रखेंगे और यहाँ से और यहाँ पे हमें सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद हमें और एक टुकड़ा लेना है सेम इसी साइज का और हम इस पर भी सिलाई लगा के लेंगे यहाँ और यहाँ पे। देखिए मैंने सिलाई लगा ली है, अब हम इसे सीधा कर लेते हैं। ये देखिए सीधा करने के बाद अब हमें टॉप स्टिच लगानी है यहाँ पे और यहाँ पे। ये देखिए मैंने टॉप स्टिच लगा ली है। ये आइडिया बहुत ही कमाल का है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। तो ये देखिए मैंने टॉप स्टिच लगा ली है, अब हम इसको ऐसे सेंटर में लाएंगे और हम इस जिप में अब रनर इंसर्ट करेंगे। अगर आपको रनर इंसर्ट करना नहीं आता जिप में तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देती हूँ, आप वहाँ से देख लीजिए। ये देखिए जिप हमारी बिल्कुल रेडी हो गई, अब जो एक्स्ट्रा जिप है हम इसे कट कर लेंगे। अब हमें इसे अंदर की तरफ टर्न कर लेना है। ये देखिए हम जिप को ऐसे ऊपर की तरफ लाएंगे और इसका सेंटर पॉइंट निकालेंगे। छोटा सा कट लगाना है हमें। तो अब इस जिप को हमें सेंटर में रखना है। ये देखिए इस तरह सेंटर में आना चाहिए ये जिप। तो अब मैं लेती हूँ इलास्टिक, आपको ये इलास्टिक लेना है। अब हम इसको ऐसे अंदर की तरफ डालेंगे इसको। ये देखिए ये जो हमारा इलास्टिक है ये भी बिल्कुल सेंटर में रखना है और इसके ऊपर जिप रखनी है इस तरह हमें, और यहाँ से सिलाई लगानी है। ठीक इसी तरह यहाँ पे भी हमें करना है, इस तरह इलास्टिक को रखना है सेंटर में और उसके ऊपर से सिलाई लगानी है। ये देखिए मैंने दोनों साइड सिलाई लगा ली है। अब हमें दो स्ट्रिप लेना है, देखिए एकदम बिल्कुल छोटी सी। अब हम इसको इस तरह फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर रख के इस तरह में देखिए इस तरह में सिलाई लगानी है। इससे क्या होगा कि ये जो हमारा दोनों साइड है ये बिल्कुल फिनिशिंग दिखेगा। देखिए ये बिल्कुल हमारा कितना फिनिशिंग दिख रहा है। अब हम इसे सीधा कर लेते हैं। देखिए मैंने इसे सीधा कर लिया है, कितना सुंदर सा हमारा पाउच बन के बिल्कुल रेडी हुआ है। अब इसे यूज़ कैसे करना है चलिए मैं आपको बताती हूँ। देखिए मैंने एक नोटबुक ली है, अब हम इसको ये देखिए इसके अंदर डालेंगे। ये देखिए आप इसे इस तरह लगा सकते हैं और यहाँ पे कुछ भी आप चीज़ें वगैरह रख सकते हैं, जैसे पेन पेंसिल, यहाँ पे आप मोबाइल भी रख सकते हैं। तो है ना बिल्कुल कमाल का आइडिया। वीडियो को लाइक करें और अपने फैमिली में अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें, बहुत ही कमाल का आइडिया है, आप ज़रूर यूज़ करके देखिएगा। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए।